शिक्षकों का क्या काम है, स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ाना। हाई कोर्ट ने बहुत बड़ा स्ट्रक्चर भी पास किया था, लेकिन ये बैठे भ्रष्ट अधिकारी पूरे प्रदेश को भ्रष्टाचार के आगोश में ले लिए हैं। ये टीचरों से क्या काम करवाते हैं, बीएलओ के ड्यूटी में टीचर, ऑडिट कराना टीचर, बारी परीक्षा में टीचर, नामांकन के काम में टीचर, बच्चों के बाबू नहीं होने के लिए बच्चों के टीसी काट रहे टीचर, ये फिर उसका भुगतान में लगे हैं, ऑनलाइन फिटिंग करेंगे, चुनावी ट्रेनिंग में जाएंगे, टीएनएम मेला में जाएंगे, सर जी की मीटिंग कर रहे हैं, परिवार का सर्वेक्षण करेंगे, ठीक है, किताबें उठाने जाएंगे टीचर, डीआरसी ऑनलाइन के संतोष मीटिंग में बुलाता जा रहा है, खेल के आयोजन उनको करेंगे, सूचना तुरंत भेजेंगे ऑनलाइन, कभी भेजिए वापस, और क्लास में ले रहा भी होगा। मान लीजिए मैं बहुत प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ, मैं भी टीचर हूँ, पढ़ा रहा हूँ, अगर ऊपर से आए ये भी सूचना को तत्काल दीजिए, क्लास को खत्म किया, मोबाइल फोन पे लेकर भरने लगा, पढ़ाई नुकसान किसका हुआ, बच्चों को हुआ ना, रसोईया फसाई मरम्मत, बच्चों को घर से बुलाओ, पाठ्यपुस्तक बांट रहा हूँ, कोटेदार का गल्ला उठाओ, प्रधान से मिलो, रसोईया के चुनाव कराओ, कलर का काम करो, बीसर करो, इसके अलावा जनगणना करो, गाय गिनो, बच्चों को गिनो, ये सब टीचरों का काम है। शिक्षक का परिभाषा क्या होता है, उस परिभाषा के परिधि से और हाई कोर्ट स्ट्रक्चर से बाहर शिक्षकों से कोई काम, शिक्षकों को जरूर टाइम बढ़ाना चाहिए, लेकिन शिक्षकों को आप पंगू करके शिक्षकों को शिक्षा से बाहरी काम, सबसे पहले जो काम जो शिक्षक का नहीं इसको बंद करना चाहिए। पहला मामला जो सॉफ्टवेयर के नाम पर ऐप के नाम पर 8 सालों में 7 सालों में योगी सरकार जब चाहिए है घोटाला हुआ है, उस घोटाले की उच्च स्तरीय जांच हो, दोषी अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई। मैंने बोला ना ऑनलाइन हाजिरी हो या कोई टीचरों को टाइम करना चाहिए, लेकिन केवल टीचरों के लिए क्यों, जहाँ जिसके साथ पैसे तुम लूट रहे हो, जो घुसखोर अधिकारी इसी कमरे में बैठे हैं, कर्मचारी बैठे हैं, बाबू बैठे हैं, कमीशन का खेल चल रहा है, हर बात के लिए टीचरों को फिर से कमीशन अगर पास कर प्रतिनिधि मंडल आया था, शिक्षकों के सारे जितने भी संगठन है सबका प्रतिनिधि मंडल आया था, उनकी पीड़ा चूंकि मैं शिक्षकों को सुन सकता हूँ, ठीक है आप, मैंने भी कहा कि मैं टीचर में ये नहीं कहूँगा आप टेंथ बच्चों को पढ़ाओ, उनके साथ पहचान नहीं होना चाहिए, लेकिन आप देख रहे हैं रास्ते नहीं है, बारिश है, बाढ़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और जो सबसे बड़ा काम होता है, आप इसको हल्के में मत दीजिए, आप सारे जिम्मेदार लोग हो, आप खुद आके हैं, मंगनी आ गए कि पिछले 7 सालों में कितने मैं मान रहा हूँ, कितने हजार करोड़ है, कितने 100 करोड़ का लगा, और कितने स्टूडेंट हो जाऊंगा, कितने में बच्चों को स्कूल में कंप्यूटर लैब मिल गया होता, नहीं मिल गया होता, टीचर मिल गया होता, नहीं मिल गया होता। अच्छा, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और आप ही के ऊपर आरोप लग रहा है कि सड़क के ऊपर आप सड़क बनवा रहे हैं, क्या मतलब है इसका? तो आप पत्रकार हैं, जाकर कर सकते हैं, मंद बुद्धि के चमचों को मैं क्या कहूँ, उस लेटर में भी लिखा है, उसमें भी लिखा है। देखो एक बात मैं कहना चाहूंगा, आप इस बात को तो मालूम है कि मैं व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप जब से लोग मैं इस घोषित लोकसभा में काम कर रहा हूँ कभी व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप में न लगाया हूँ, मैं यकीन रखता हूँ, लेकिन जो चमचे होते हैं बड़े खतरनाक होते हैं। आपने जिस बात का जिक्र किया, मैंने पता कराया कि कौन से लोग हैं उसमें, हिस्ट्री सीटर हैं, अपराधी हैं, जो ठेके के चक्कर में बात कर रहे हैं, माननीय मंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए। मैं अभी भी कहता हूँ और सार्वजनिक रूप से कहता हूँ कि हम सबके लिए गौरव की बात है कि हमारे मऊ का नेता बड़ा नेता है, मंत्री है, उनके हाथों में ताकत है, हम लोगों को उम्मीदें हैं विकास का, उनसे विकास करवाने का प्रयास भी करते होंगे, लेकिन जो ऐसे लोग होते हैं, अच्छा वो सर्विस दिन बन जाएगा या कोपा से कोपा कस्बा कोपा बाजार से काशी कला से कनेक्ट हो जाएगा, तो उस पर एक के सलमान राजू राय तो नहीं जाएंगे, खाली पूरे उठ जाएंगे ना। तो अति उत्साह में साबित करने के लिए कि मैं आपके खिलाफ किसी को खड़ा नहीं होने दूंगा, अरे मैं खिलाफ कहाँ हूँ, अगर वो विकास कर रहे हैं तो 4 कदम मैं भी चलने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरी जिम्मेदारी ज्यादा इसलिए है कि मैं जनता के बीच से चुन कर आया हूँ, ऐतिहासिक मतों से चुन कर आया हूँ, और सबका मेरे ऊपर हक है कि हमने आपको अगर ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ जीत दिलाई है तो आपसे हमारी उम्मीदें आप काम करिए। पालिका में चर्चा चल रही है।